हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। निक्की सिंह किचन गार्डन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग बनाएंगे कि किस तरह से पौधा पर ट्रीटमेंट किया जाए कि ये जो है हमारा सब्जी जो है, फल फ्रूट जो भी आ रहा है, तो वो बड़ा साइज में आए और अच्छा आए। देखिए ये कितना बड़ा साइज में आया है और थोड़ा भी टेढ़ा नहीं है, एकदम सीधा है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा है। ये करेला भी आप देख सकते हैं। देखिए ये करेला कितना अच्छा आया है इसमें। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा साइज में आया है। करेला भी आप देख सकते हैं और उधर भी है, उस साइड में भी। ये जो है, ये हम जाल जो लगाए हैं वो लटक गया है बीच में, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है उस पार का। उस पार का भी दिखाएंगे हम आपको। ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि बड़ा है और छोटा इसमें नहीं आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये छोटा छोटा भी आ रहा है इसमें। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि क्या क्या ऐसा करें हम पौधे पर एक्सपेरिमेंट, जो हमारा सब्जी जो है वो अच्छा से ज़्यादा क्वांटिटी में आ सके। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत सारा करेला इसमें आया है। और ये नेनुआ आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज में ये भी है। देखिए ये यहाँ से ये इससे घर्षण होकर और ये यहाँ हो गया है दाग, तो आप देख सकते हैं। और ये देखिए दो बेल इसमें लगा हुआ है नेनुआ से। और यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो है, यहाँ से एक बेल निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो है ये नेनुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आया है, देख सकते हैं। और यहाँ आया है और यहाँ आया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो एक ही बेल में देखिए यहाँ आया है और एक यहाँ आया है, और ये देखिए यहाँ भी आया है। ये छोटा नेनुआ यहाँ है और इसी बेल में है, यहाँ पे देखिए, और इसी बेल में ऊपर भी है। तो यही दिखाई दे रहा है, यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए। तो हमारे देहात में लोग कहता है गांव में कि गिरे गिरे में नेनुआ आया है, वही है, गिरे गिरे में यहाँ पे आया हुआ है। और भी आपको दिखाते हैं हम। ये देखिए उसी बेल का है, यहाँ हम दोनों बेल लगाए हैं। ये देखिए यहाँ आया है इसमें, और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आया है। देखिए एक ही बेल में आप देख सकते हैं। और इसी बेल में ये देखिए, ये छोटा बेल यहाँ भी आया है, आप देखिए। और इसी बेल में ये भी छोटा वाला, ये भी, और उधर भी बहुत सारा आया है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए, ये ऊपर में देखिए, ये भी एक बेल है, और यहाँ भी नेनुआ है, और यहाँ भी देखिए बहुत सारा नेनुआ आ रहा है इसमें अभी। तो चलिए जान लेते हैं हम कि क्या ऐसा किया जाए। तो ये देखिए, ये हम जो है लगाते समय, आप लोग ध्यान रखिए, पौधा लगाते समय या बेल लगा रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि ये जो है इसमें मिट्टी भरे जब भी, तो कम ही भरे, पूरा नहीं भरे। देखिए हम इतना मिट्टी इसमें, ये देखिए हम इतना मिट्टी इसमें, एक उंगली के बराबर यहाँ पूरा मिट्टी हम जो है वो खाली रखे हैं इसमें, इस गमले को खाली रखे हैं, ताकि इसमें हम कोड़ाई कर सकें। जब भी हमारा कोड़ने का समय इसमें आए कि हाँ इसमें कोड़ सकते हैं, तो कोड़ाई कर सकें, ये सबको निकाल देंगे हम, जो भी घास इसमें आया है तो इसको निकाल देंगे। और इसमें क्या करेंगे, ये देखिए ये नीचे का जो पत्ता है पुराना, उसको हम हटा देते हैं। ये देख सकते हैं, ये हम हटा देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा हल्का एकदम
कोड़ाई कर देंगे इसमें। ये टमाटर का पौधा है। हम टमाटर के पौधे के लिए ये सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपके किचन गार्डन में जो भी पौधा हो, जो भी हो, गाछ वृक्ष जो भी हो, लत हो, बेल हो, जो भी आप कुछ भी पौधा लगाए हैं, ये हर पौधे के लिए हम बता रहे हैं आपको, इसी तरह से आपको करना है। तो ये देखिए, इसको हम कोड़ दिए, ठीक है। कोड़ने के बाद अब इसमें, तो देखिए हम आपको बताए हैं ना कि गमले खाली रखने के लिए, क्योंकि इसमें हम अब ये देखिए, ये थोड़ा हल्का सा मिट्टी लेंगे और इसमें जो है ये गोबर का खाद है, तो हम इसको इसमें डाल देते हैं, ठीक है। पौधा के जड़ के पास इसको हम डालेंगे, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा डाल दी, ठीक है। थोड़ा और डाल देते हैं, इसमें हम थोड़ा डाल दिए, ठीक है, इतना डाल दिए। अब हम फिर इसमें 20 दिन जब हमारा बीत जाएगा या एक महीना बीत जाएगा, तो फिर हम इसमें इतना सा ये जो गोबर की ये जो खाद है, ये जो है खाद, इसमें हम फिर 20 दिन के बाद या एक महीने के बाद जब भी आपको मतलब टाइम मिले तो आप इसमें इस तरह से डाल दीजिएगा। उसके बाद में आप 20-20 में 10 दिन पर, हर 10 दिन पर या हफ्ते में आपको जब भी टाइम मिले तो आप इसमें जो है सरसों की खली जो है रात को भीगने के लिए रख दीजिए, और सुबह में उसको सरसों के खली को आप दीजिए हर पौधे में, आपका फल बहुत अच्छा आएगा पौधा में, और बहुत अच्छा आपको जो भी सब्जी मिलेगा वो मिलेगा। तो आप इस तरह से कीजिए, खा नहीं सकिएगा आप सब्जी, इतना सब्जी आपके किचन गार्डन में आएगा कि आप मोहल्ले वाले को पूरा बांटिएगा।